गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करेंट अफेयर। मेरा नाम है सुशांत, ठीक है। हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर की डेली करंट अफेयर और आज है 26 दिसंबर। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है। घरेलू हाई स्पीड एक्स पेंडेबल एरिया एरियल टारगेट, ये क्या है? घरेलू हाई स्पीड एक्स्ट्रा पेडेबल एरिया टारगेट, ठीक है। ये क्या है? एक अभ्यास है, ठीक है। ये अभ्यास उड़ान का परीक्षण का एक सफलतापूर्वक अभ्यास को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है इस अभ्यास को? किया गया है घरेलू हाई स्पीड एक्स्ट्रा पेडेबल एरिया का टारगेट का इसका अभ्यास किया गया है। मतलब एक तरीके से परीक्षण किया गया उड़ान का, मतलब ये उड़ान है जिसको टारगेट के लिए परीक्षण किया गया और यह सफलतापूर्वक हो गया, ठीक है। इसमें एकीकृत, इसमें क्या है? एकीकृत परीक्षण रेंज, रेंज कितनी? रेंज कहाँ से? चांदीपुर, ये कहाँ पे? चांदीपुर तट से दूर, मतलब चांदीपुर के तट से दूर उड़ीसा में आयोजित किया गया। कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया, किसको? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर के तट से उड़ीसा में, चांदीपुर के तट से उड़ीसा में आयोजित किया गया। इसको डीआरडीओ द्वारा, किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा वैमानिक विकास, किसके? वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ए डी ई द्वारा, इसको डीआरडीओ द्वारा वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा इसको आयोजित किया गया। किसको? घरेलू हाई स्पीड एक्सरे पेंडल एरियल टारगेट के द्वारा टारगेट का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। इसमें एचएसीएल ने किसको? डीएडीई को क्या दिया? एडीओ को इसके निर्माण का ऑर्डर दिया। किसके? इसके निर्माण का किसको? एचसीएल ने एडीई को, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान को, इसको वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान को एचएएल ने क्या दिया? इसको बनाने का ऑर्डर दे दिया, कि आप इसको, आप हमें ये टारगेट बना के दीजिए, हम इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस परीक्षण से बहुत मतलब फायदे ही फायदे होंगे, ठीक है। 25 दिसंबर को एक दिवस मनाया गया, जिसको क्या कहा गया? 25 दिसंबर को एक दिवस मनाया गया जिसको सुशासन दिवस, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में मनाया गया? ये बनाया गया पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वाजपेयी जी की जयंती पर इसको मनाया गया। किसको? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया। यह इनके कार्यकाल में पोखरण क्या हुआ? पोखरण का सेकंड परमाणु परीक्षण,
सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पोखरण में क्या, पोखरण का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें अमेरिका ने क्या किया था, हस्तक्षेप कर दिया था और इसको होने दिया था। इसी और तब उसके बाद पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पोखरण का सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ और ये इंडिया इस चीज़ में सफल रहा और परमाणु शक्ति को हासिल कर लिया गया। और इन्हीं के समय में कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है। और पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, ये है ना, ये पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, ये कितनी 3 बार पीएम बने, तभी इनके पीएम के कार्यकाल में इनको पोखरण का सेकंड परीक्षण भी हो गया और कार्यकाल का कारगिल का युद्ध भी हो गया, ठीक है। और इन्हें इनके मृत्यु के उपरांत, सॉरी मित्र के उपरांत नहीं, इनको 2015 में क्या हुआ, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। कितना, 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्होंने पोखरण और इनके कार्यकाल में कारगिल जैसे युद्ध हुआ, पोखरण का सेकंड परीक्षण हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ और यह 3 बार पीएम बने, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह द्वारा, कहां पर? दिल्ली में। अमित शाह द्वारा दिल्ली में एक चीज का, भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन। किसका? भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन। भारत दर्शन पार्क के बारे में, भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे कहाँ पे? दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे कौन? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। यह मनोरंजन पार्क कितना, यह पार्क कितने में है? मनोरंजन पार्क 8 एकड़ में बसा है, 8 एकड़ की भूमि में यह मनोरंजन पार्क फैला हुआ है, जो दक्षिण दक्षिण जो कि दक्षिण दिल्ली के नगर निगम द्वारा बना है। कहाँ पे? किसके द्वारा? नगर निगम। ये 8 एकड़ पार्क को कैसे नगर निगम द्वारा, कौन से? दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें कुछ, अगर ये पार्क है तो इसको कैसे भारत दर्शन पार्क, इसमें कुछ विशेषता तो होगी तभी तो भारत दर्शन होगा इस पार्क में, ठीक है। इस पार्क में, भारत दर्शन पार्क में क्या है, जो कि दिल्ली के दक्षिण नगर निगम द्वारा बनाया गया है, जो कि 8 एकड़ में फैला हुआ। इस पार्क में ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। कोंकण मंदिर, ठीक है। इनके एक्सेट्रा 22 प्रतिकृतियों, 22 प्रतिक्रियों के माध्यम से यह पूरे भारत का दर्शन कराएंगे कि भारत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारत में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, गेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। कोंकण का मंदिर है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कोंकण जगह जगह पर कोंकण का मंदिर है, यह शिव जी का मंदिर है, ठीक है। और क्या है, मतलब इसमें कोंकण मंदिर में बहुत सी विशेषताएं हैं। इसको बहुत पुराना मंदिर माना जाता है और इसको एक राजा ने बनवाया था, ठीक है। और इसको, और यह एक शक्ति के रूप में इस मंदिर को पूरे विश्व में विख्यात है, ठीक है। ऐसी मतलब चीज़ों के बारे में जो कि इंडिया में, जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार, चार मीनार, गेट ऑफ इंडिया, मतलब
अच्छी अच्छी भव्य प्रतियों को यह 8 एकड़ के पार्क में दक्षिण दिल्ली के नगर निगम द्वारा बनाया गया। इनकी कृति के मतलब प्रतियां बनाएंगी कि मतलब ये क्या क्या चीज़ अपने इंडिया में है। ठीक है, बढ़ती हुई वैश्विक मांग को लेकर क्या किया रूस ने तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इनसे क्या किया, बढ़ती हुई वैश्विक मांग को देखकर रूस ने कहा है कि हम तुर्कमेनिस्तान से क्या करेंगे, गैस का आयात। रूस अपने यहाँ तुर्कमेनिस्तान से गैस मंगाता है, ठीक है, इसका आयात कब, इस साल मतलब 2022 में, दुगना, कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया, दुगना कर दिया, किसके, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की मांग को इन्होंने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब तुर्कमेनिस्तान ये हर साल बोलो या इस वर्ष 2022 में कितना, 10 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये क्या करेगा, बढ़ती हुई वैश्विक मांग को देखकर रूस ने क्या किया, रूस ने तुर्कमेनिस्तान से क्या किया, इसने प्राकृतिक गैस के आयात को दुगना कर दिया, ठीक है, कि मतलब हमारा इसकी मांग बढ़ रही है और आप अपने हमारे आयात को दुगना कर दीजिए, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान को मतलब मजबूरी क्या, उन तो मांग आए तो भाई पैसे देगा कोई भी तो खरीदेगा, ठीक है, तो उन्होंने 2022 में इसकी मांग को दुगना कर दिया, इसकी प्राकृतिक गैस की मांग को दुगना कर दिया। अब इस वर्ष मतलब 2022 में यह 10 बिलियन क्यूबिक मीटर घनत्व, क्यूबिक मीटर मतलब क्या करेगा, ये गैस अपने यहाँ मंगाएगा, ठीक है, कौन मंगाएगा, रूस मंगाएगा, किससे, तुर्कमेनिस्तान से यह गैस मंगाएगा, ठीक है, और चीन ने क्या किया, रूस को सीड्स निर्यात घोषित कर दिया। रूस क्या कर रहा है, रूस बहुत सी चीज़ें बना रहा है जिसको लेके उसको प्राकृतिक गैस और भी अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, और यह देश भर में क्या कर रहा है, पूरे देश क्या पूरे विश्व में अपने हथियार वगैरह बेच रहा है। इसको लेकर चीन ने रूस को सबसे निर्यात में शामिल कर लिया कि रूस सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अपने देश से दूसरे देशों में, सबसे ज़्यादा पैसे का तो खैर नहीं, अपने यहाँ से चीज़ों को बहुत निर्यात करता है, कौन करता है, रूस, जो चीन के द्वारा बताया गया है, ठीक है, फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना ना भूलें, जो भी रहेगा वो कर दो और जो नहीं है उनको ऐड कर दो। पंडित मदन मोहन मालवीय इनकी 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में, कितनी, 160वीं जयंती, 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या बना, 160वीं जयंती मनाई गई, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती मनाई गई। इनके क्या कार्य थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद के यूपी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किनका, पंडित मदन मोहन मालवीय का 25 दिसंबर 1861 में इनका जन्मदिवस हुआ था, ठीक है। इन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की,
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की 1916 में, ठीक है। किसकी? बी एच यू की स्थापना की 1916 में। इनने 1919 में, 1909 से 1920 में 11 वर्ष क्या किया पंडित मदन मोहन मालवीय ने? 11 वर्षों में क्या किया? 11 वर्षों में इन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव इन्होंने 11 वर्ष तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सेवा की। कितने? 11 वर्ष, 1919 से 1920 तक इन्होंने इसकी सेवा की। और इनके मृत्यु के उपरांत, मतलब अब तो ये मृत्यु के उपरांत 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब इनके परिवार को भारत रत्न के तौर, मतलब इनके लिए इनको भारत रत्न दिया गया, जो कि इनके वंशजों को दिया गया। कितने? 2014 में इनके मृत्यु के उपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड ने, उत्तराखंड में क्या हुआ? जल जीवन मिशन के तहत, किसके? जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने कितना 100 सरकार ने कितना 164 करोड़ से करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल की आपूर्ति की मंजूरी दे दी कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत। इस जल जीवन मिशन में क्या है? इसमें हर घर में जल योजना के तहत इसको जोड़ा जाएगा। उसमें कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? 9200 से अधिक ग्रामीण के घरों में, ग्रामीण घरों में इस जल जीवन मिशन के तहत क्या होगा? नल लगाए जाएंगे हर किसी के घर में, ठीक है। और ये योजना कहाँ पे है? अल्मोड़ा, देहरादून, ठीक है, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से 104 और एक और है इसमें गांव बागेश्वर, 140 गांव, ठीक है। इसमें क्या होगा? अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी के 140 गांव में, कितना 140 गांव में इस सुविधा को होगा, इस सुविधा को दिया जाएगा। इसमें कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? 264,000 घरों में नल कनेक्शन होंगे। कितने? 264,000 घरों में नल कनेक्शन होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आज का हो गया।